हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, टेरिड फाइटर में रम तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ये पार्ट 3 है। नाल रम क्या होता है इसके बारे में, ठोस रम हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे नाल रम के बारे में, साइफोन स्टील। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो नाल रम क्या होता है देखिए, ऐसे रम के केंद्र में मज्जा उपस्थित होती है। ठोस रम में मज्जा नहीं होती है, इसके अंदर मज्जा उपस्थित होती है और मज्जा इसमें मज्जा को घेरे हुए जाइलम फ्लोइम व परिरम की परतें होती है। मज्जा को घेरे हुए जाइलम फ्लोइम और परिरम की परतें होगी। यह फिलिकोफाइटा का लक्षणिक गुण है। जो फिलिकोफाइटा है, टेरिडोफाइटा का प्रभाग या डिवीजन है फिलिकोफाइटा, जिसके अंदर फर्न आते हैं ये ध्यान रखेंगे, उसका एक लाक्षणिक गुण है। तो इसके प्रकार कितने हैं देखें, बही फ्लोइमी नालरम एक्टोफोइलिक साइफोनस्टील। बही फ्लोइमी, फ्लोइमी क्या होता है, बाहर की ओर फ्लोइम, बही फ्लोइमी बाहर की ओर फ्लोइम, जिस इसमें जाइलम के बाहर चारों ओर फ्लोइम की वलय होती है। जाइलम के चारों ओर क्या होगी, बाहर चारों ओर फ्लोइम की वलय होगी। जैसे ये जाइलम है, ये जाइलम के बाहर फ्लोइम की वलय होती है। जैसे इसमें इक्विसिटम उदाहरण देखते हैं, इक्विसिटम में होता है ये। फिर उभय फ्लोइमी नालरम एम्फीफोइलिक साइफोनस्टील, इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोइम होता है, जैसे कि मार्सिलिया में होता है। तो इसकी संरचना में हम डायग्राम में देख सकते हैं इनकी संरचना। वही फ्लोइमी नालरम, इसमें तो जैसे कोर्टेक्स है सबसे बाहर, एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल, अंदर की ओर सबसे केंद्र में होती है पित्त या मज्जा कहते हैं, और इसके बाद ये जाइलम होता है पित्त के बाहर, और उसके बाहर होता है जाइलम को घेरे हुए फ्लोइम होता है। और उभय फ्लोइमी नालरम में, इसमें ये ध्यान रखना, इनर फ्लोइम आउटर फ्लोइम, इनर पेरिसाइकिल आउटर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस और आउटर एंडोडर्मिस, ये सभी भाग होते हैं, और केंद्र में ये पित्त या मज्जा होती है केंद्र में। तो देखिए डायग्राम में ये जाइलम है, जाइलम के अंदर की ओर हो गए इनर फ्लोइम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, और केंद्र में मज्जा होती है, और इस जाइलम के बाहर की ओर आउटर फ्लोइम आउटर पेरिसाइकिल आउटर एंडोडर्मिस होता है। तो ये उभय फ्लोइमी नालरम में इस प्रकार होता है कि इस नालरम में मज्जा से क्रमशः भीतरी अंतस्त्व त्वचा, भीतरी परिरम, भीतरी फ्लोइम जाइलम, बाहरी फ्लोइम, बाहरी परिरम व बाहरी अंतस्त्व त्वचा, ये क्रमशः होती है। तो ये ध्यान रखेंगे इसका डायग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले जो नालरम के प्रकार हैं, सोलेनोस्टील, डिक्टाइस्टील। सोलेनोस्टील हिंदी में कहते हैं नलीरम, और डिक्टाइस्टील इंग्लिश में कहते हैं जाल रम। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।